टोटल 20 स्पीशीज है भाई। जंगलों के बीच में कैसा लग रहा है आंटी आप लोग यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, डर लग रहा नीचे देखकर? नहीं डर लग रहा है, हिल रहा तो मजा, मतलब हिल रहा तो लग रहा कि नहीं तुम्हारा भाई किडनैप किया भाई? भाई देखो ऐसे 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 आप लोग को 110% गांव के लोग रहते थे एंड क्या उसका लाइफ स्टाइल था उसके बारे में उस पर इतना नहीं है। सो गाइज वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ RS5 ब्लॉग। एंड गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं यार, हम लोग राजगीर में हैं एंड सोच रहे हो यार कि राजगीर में क्या कर रहे हैं, तो राजगीर में आए हैं यार वाइल्ड सफारी को हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये रहा हमारे पीछे में वाइल्ड, ये राजगीर वाइल्ड सफारी आप लोग देख पा रहे हो भाई, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में एंड उधर लिखा हुआ है हिंदी में भाई। सो यहाँ पर हम लोग आए हैं अच्छे से एंड यहाँ पर हम लोग विजिट कर गए थे भाई अप्रॉक्स 7 बजे, मतलब अभी से 45 मिनट्स पहले आए थे। एंड इतना लंबा भीड़ है भाई, इतना लंबा लाइन लगा हुआ टिकट के लिए। तो अगर आप लोग भी आते हो भाई तो प्लीज़ ट्राई करना कि अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं आते हो भाई तो फिर टिकट नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन बुक कर लेते हो तो सही है भाई, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर भूल जाओ कि हाँ आपको टिकट मिलने वाला भी है। सो मस्ट यू कि आप लोग जल्दी आ जाओ ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करते हो तो। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से एंटर किए हैं, ये जो पसंद देख रहे हो ये वाला पार्ट, इधर से हम लोग एंटर किए हैं एंड अभी इधर की ओर जाना है भाई, देख रहे होगे पीछे में इधर की ओर जाना है। सो यही है भाई ये अपना राजगीर वाइल्ड सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी। एंड ये अपने साथ भाई दीपक, कुछ ज़्यादा इसको मतलब क्या बोलते हैं, सब सामान दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन क्या करें अब हम लोग को ये भी करना भाई, ये भी ज़रूरी है। सो अभी चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं यार कि आगे और क्या क्या है। हम लोग का टाइमिंग है भाई 9 बजे का एंड अभी 9 बजने में 20 मिनट बाकी है। सो चलो आप लोग को दिखाते हैं और अच्छे अच्छे शॉट्स। सो गाइस जैसे ही अंदर आते हो तो आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारा स्टैचूज वगैरह बना हुआ है एंड यहाँ पे जितना भी एनिमल्स शायद यहाँ पे उसी का है ना, 20 स्पीसीज है भाई। और कौन कौन सा है, कितना देखने को मिलता है, क्या दिखता है पता नहीं भाई, वो अब लक के ऊपर है कि क्या देखने को मिलता आगे है। दिख जाएगा जो होगा क्या होगा आगे दिख जाएगा जो भी दिखना होगा भाई, जो होगा तो आगे मिलेगा, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। सो चलो पहले आप लोगों को ये सब दिखा देंगे क्या क्या है यहाँ पे। आगे आते हो तो यहाँ पे आप लोग को बुद्ध भगवान का स्टैचू देखने को मिलेगा जो कुछ इस तरह का आप लोग देख सकते हो। लगता है कि ये हम लोग का बस है एंड यहाँ पे बस भी आ चुका है हम लोग का, फिर चलते हैं आगे की ओर एंड देखते हैं इसमें कितने लोग जाते हैं, या फिर यही बस है या फिर दूसरा बस हम लोग को मिलता है। सो लेट सी भाई, यही बस है आगे की ओर यहाँ से जंगल सफारी में एंड यहाँ से ये रास्ता है भाई। बहुत इसका हाइप बना हुआ था भाई, तो आज फाइनली मौका मिला है कि हम लोग चलें एंड इसको एक्सप्लोर करें। और देखो इतने सारे लोग सब बस के अंदर हैं, बैठे हुए हैं। एंड गाइस तो आप लोग चलो देखते रहो यार, कितना मतलब बोले आप लोग रास्ता को एंजॉय करो। हैव अ लुक एकदम पूरे जंगलों के बीच में, सूरज जो अभी हो चुका है यार, ये धूपा यही तो नहीं चाहिए थे अपने को, क्योंकि अगर धूप नहीं रहता यार तो उतना भी दिक्कत नहीं होता घूमने फिरने में, बट ये जो धूप हो गया भाई तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला यार घूमने फिरने में, क्योंकि बस था वो चीज़ हम लोगों को मंजूर था, बट ये जो धूप हो गया भाई ये चीज़ नहीं चाहिए थे अपने को। बट लोकेशन देखो जिस तरह से मतलब पूरा जंगलों के बीच से इसको बनाया गया है एंड यहाँ से इसको बीच बीच में जो रास्ता देख रहे हो कि बना हुआ भी है एंड कहीं पर बना हुआ नहीं भी है भाई। क्लास ले जाने का एंड अभी हम लोग इधर से आए हैं कुछ चलकर ये रास्तों से एंड ऊपर की ओर जा रहे हैं भाई, बस इधर यहीं पर रहा ग्लास ब्रिज, चलो वहीं पे मिलते हैं सीधा आप लोग से। चलो यार ग्लास ब्रिज की तरफ एंड ये कुछ स्टेयर्स रहा, और देख लो यार स्टेयर्स भी जितना भी है ये सारा ग्लास का ही बना हुआ एंड इसमें 3 लेयर्स करके भाई ग्लास दिया हुआ ताकि इसका मजबूती बना रहा है, इस पर टूटने का कोई खतरा ना हो। तो भाई
देखो दीपक कैसा लगा? ठीक है भाई। अच्छा इस समझ रहे कैसे बोलो? अच्छा भाई वैसा नहीं लग रहा जैसा हाइप बना हुआ था वैसा, बट हाँ भाई नीचे दिखाते हैं आप लोगों को। देखो नीचे, देखो भाई नीचे देख के लग रहा थोड़ा सा डर, बट ऊपर देख रहे हो तो कुछ नहीं लग रहा। ग्लास स्काई वॉक पर बैठना लेटना दौड़ना सकना। सो गाइस नीचे देखो, नीचे देख के लग रहा होगा ना तो नीचे चल जाएंगे भाई, बट नीचे अगर नहीं देखो तो डर लग रही है, लगेगा ही नहीं। सो कैसा लग रहा अभी आपको आगे यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। नीचे देखने में क्या लग रहा? नीचे देखने में शुरुआत में तो डर लगा था, अब अभी अच्छा लग रहा है, अब कुछ नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इसका मजबूती है बहुत अच्छा सा। देख लो यही कुछ है ग्लास ब्रिज का, एंड ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है भाई, शुरू होते ही खत्म हो जा रहा तो वैसा कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है आंटी आप लोग यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, डर लग रहा नीचे देखकर? नहीं डर लग रहा है। नहीं लग रहा है नीचे देख, मतलब शुरू में भाई आंटी को तो डर ही नहीं लग रहा, बट हम लोग आए थे तो हम लोग को भाई स्टार्टिंग लगा कि नहीं जा रहे नीचे, बट अब सही लग रहा है, वैसा कुछ नहीं लग रहा। हिल रहा तो अच्छा लग रहा है, हिल रहा तो मजा आ रहा है, मतलब हिल रहा तो लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हिल रहा है ना भाई, बट ऐसा उतना कुछ मजा नहीं आ रहा। जो ग्लास ब्रिज है ये पूरा चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, एंड एक पहाड़ यहाँ है, फिर इधर पहाड़ है भाई, इधर है पहाड़, इधर है एंड इधर भी है भाई, फिर पूरा एकदम देख लो, एंड उधर तो भाई दिख ही नहीं रहा है। देख लो इधर भी, मतलब जो ग्रीनरी दिख रहा है पेड़ पौधा वो पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, बट हाँ सही दिख रहा है भाई। देखो जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं दिख रहा, एंड इधर देख लो इधर बहुत हद तक दिख रहा होगा भाई। भाई पता नहीं यार हम लोग कहाँ खो गए, दीपक कहाँ खोए भाई? बंदा किडनैप कर लिया है हम लोग को, तुम्हारा भाई किडनैप किया भाई, पता नहीं यार कहाँ झाड़ियों के बीच में घुसा दिया इसका बंदर भाई, बता दिया ना कि चलो इधर का रास्ता है तो हम लोगों को घुसा दिया इधर। अब देखो हम लोग पीछे एक अंकल आंटी भी आ रहे हैं भाई, उन लोग भी सोच रहे हैं ना कि चलो हटाओ सब बंदर बंदर सब मेरा बेटा लोग। जस्ट चिल भाई, बस आप लोग को हंसाने के लिए बोल, ऐसा कुछ है नहीं यार सॉरी, बस हम लोग बस देखें ये रास्ता जा रहा कहीं तो सोचे क्यों ना एक बार चल ले एंड देख ले कि इधर है क्या। वो देखो अगर दिख रहा हो तो हम जूम करके दिखा देंगे, सस्पेंशन ब्रिज दिख गया यहाँ से हम लोग को पहला भी हो। सो अभी चल रहे आगे की ओर एंड देखते आगे चल के कैसा लगता है और कितना कैसा और टिकट प्राइस है। मुझे लग रहा फ्री नहीं होगा, अगर फ्री होगा तब तो भाई जम के उसको झूलेंगे उस पर झूला। भाई आप लोग को झूला झूलना है या नहीं झूलना, आप लोग को एंजॉय करना कि नहीं करना कि हाँ झूला का झूल का कैसा मजा आता है? दीपक तुमको करना या नहीं करना? कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलोगे भाई? तुम्हारा भाई लोग सब तुम्हारा भाई लोग सब पेड़ पे चढ़ के एंजॉय करता है, तुम उस पे नहीं? तुम भी तो भाई है ना, तुम भी तो भाई है भाई। हम भाई हैं बट हम वो बंदर वाला भाई नहीं है, हम इंसान वाला भाई है ठीक है, वो तुम्हारा बंदर वाला भाई है जो पेड़ पे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई बंदर वाला भाई। भाई यहाँ पे हम लोग खड़े थे ना टिकट लेने के लिए, उस वहाँ पे इसका बहुत सारा भाई लोग दिखा था, इसको बोल रहा था ना दीपक दीपक इधर सुनो इधर आओ इधर आओ, और हम थे भाई कि हम साइड में थे मिस्टर ब्लॉगर बन के, है ना आपका भाई ब्लॉगर छुपा रहा था आप लोग से ताकि ये पता चले कि इसका भाई लोग बंदर है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो। हाँ भाई रास्ता है, देखो यार सब लोग कैसे जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। सो चलो अब सीधे मिलते हैं आप लोग से सस्पेंशन ब्रिज पे। किसके साथ गए थे दीपक? जो किसके साथ गए थे भाई? भाई 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 देखो ऐसे 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 मजा आ रहा भाई। दीपक दीपक ऐसे नहीं, देखो इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मजा आएगा। क्या हुआ? हाँ नहीं ला रहा उधर। सो गाइस देखो यार कितना गहरा नीचे में, एंड लुक है यार कितना गहरा नीचे भाई, जोर से भाई मजा आया इसमें तुम आप लोग को बहुत मजा आया कि भाई कितना मजा आया आप लोग को? 110% फुल पैसा वसूल 10 रुपया लाख गुना बढ़िया भाई, देख लो क्या फीडबैक आया है, मतलब लाख गुना बढ़िया है, क्लास में से बर्बाद है चलिए उल्टा कर दिया इसको 125 करना चाहिए था। अरे 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 आर एस वाई ब्लॉग मजा आ रहा हाँ भाई चलो भागड़ा
भाई आज तो मजाक मस्ती इस पे पूरा भयंकर चल रहा है यार। उससे मतलब भाई ग्लास ब्रिज से ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सस्पेंशन ब्रिज पे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 10 रुपए लग रहा है बट इस पे ज्यादा लोग इंजॉय करेंगे उससे कम कर पा रहे हैं। भाई देखो उधर वो लोग से बदमाशी कर रहा है भाई। भाई जो गार्ड है ना वो पूरा चिल्ला रहे डांट रहे सबको बट वो लोग कोई सुनने वाला है नहीं, सब किया जा रहा बदमाशी। भाई सस्पेंशन ब्रिज से इधर आते हो तो देखो कुछ इस तरह का स्टैचूज बना हुआ कि कैसे गांव के लोग रहते थे एंड क्या उसका लाइफ स्टाइल था उसके बारे में कुछ दिखाया गया इधर। एंड इधर भी कुछ दिया हुआ है भाई कुछ और उधर भी है एंड उधर में एक चीता का भाई एक स्टैचू बना हुआ। 1 2 3 अब चलो 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 भाई आगे चलते हैं। आगे 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 चलो भाई चलो फिर आगे भी तो हाँ जरूर उस पे ज्यादा मजा आया आंटी अंकल या इस पे मजा आ रहा है। इस पर मजा ज्यादा आ रहा है उस पर इतना नहीं है मतलब 125 रुपए दे के क्या वो बर्थ है। 10 रुपए का मजा बहुत ज्यादा मजा है ना। हाँ बहुत ज्यादा मतलब जितने लोग हैं यूथ से यूथ एंड आप लोग भी हो गए सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज़ जो है इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये बढ़िया हमारे एक वीडियो लोग हाँ जरूर जरूर ब्रिज से वापस जाने का रास्ता मतलब देख के यार एक सेकंड के लिए लगेगा ना कि कहाँ जंगलों के बीच में खो गए। वहाँ कहाँ खो गए दीपक? देखो जंगल में कुछ गलत काम मत करना।